everyone welcome to our YouTube channel audio verse reincarnation of ऑफ at school chapter स्कूल to 1100 हजार चूंकि काव्या भी जेड व्यवसाय से जुड़ी थी उसने माँ जिंगशान के बारे में सुना था भी कुछ लोगों ने कल राष्ट्रपति माँ के बारे में बात की थी लेकिन उन्होंने उनका पूरा नाम नहीं सुना था इसलिए उन्हें पता नहीं था कि राष्ट्रपति माँ माँ जिंगशान थे माँ जिज्ञशान न केवल प्रांतयुन में जेड एसोसिएशन के उपाध्यक्ष थे बल्कि वह, वह वह युन प्रांत के काउंटी यून में प्रसिद्ध मां परिवार के भी सदस्य थे मां परिवार काउंटी इन में नंबर एक जेड प्रदाता था और यह सिटी टैंक में तीन जेड प्रदाताओं जितना ही प्रभावशाली और समृद्ध था काव्या इतनी महत्वपूर्ण शख्सियत से दोस्ती करके खुश थी तुम सचमुच बहुत होशियार लड़की हो माँ जिंगशा ने मुस्कुराते हुए कहा काव्या के विनम्र व्यवहार ने उस पर अच्छा प्रभाव छोड़ा उसके बाद माँ जिंगशा ने अपना नाम कार्ड निकाला और काव्या को सौंप दिया यह मेरा नाम कार्ड है मिस काव्या जब भी आप काउंटी इन ये तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं और आप वहां मेरी विशिष्ट अतिथि होंगी जिंगशान जिस सार्वजनिक संस्थान के लिए काम करते थे वह सिटी यून में था जो प्रांत यून की राजधानी थी लेकिन माँ जिंगशान ने वास्तव में काउंटी यून में अधिक समय बिताया क्योंकि वह अब वृद्ध हो चुके थे और सेवानिवृत्त होने वाले थे बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान माँ काव्या ने कहा और माँ जिंगशान का नाम कार्ड ले लिया उन्होंने विनम्रतापूर्वक माँ जिंगशान को अपना नाम कार्ड भी सौंपा अब से एक महीने बाद मैं राजधानी में बस जाऊंगा श्रीमान माँ यदि आप किसी दिन राजधानी आए तो कृपया बेझिझक मुझे फोन करें धन्यवाद माँ जिंगशान ने काव्या का नाम काट लिया हालांकि वे अभी तक एक दूसरे से परिचित नहीं थे लेकिन वे जानते थे कि वे अच्छे दोस्त हो सकते हैं इसके अलावा काव्या की जेड कंपनियां प्रांतियुन में थी इसलिए उसे भविष्य में मां जिंगशान की मदद की आवश्यकता हो सकती है वैसे भी उसके लिए अपने संपर्क सुधारना कोई बुरी बात नहीं थी मिस काव्या क्या आपका परिवार भी एक आभूषण कंपनी चलाता है क्योंकि आपने बहुत सारा जेड़ कच्चा माल खरीदा है माँ जिंगशान ने पूछा उसने यह नहीं सोचा था कि काव्या ने वह जेड कच्चा माल अपने लिए खरीदा था भले ही काव्या एक परिपक्व व्यवसायी महिला की तरह व्यवहार करती थी फिर भी वह बहुत छोटी थी माँ जिंगशान को काव्या की सही उम्र नहीं पता थी लेकिन उन्होंने सोचा कि वह इस साल लगभग बीस साल की होनी चाहिए और अभी भी एक छात्रा होनी चाहिए काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा वास्तव में नहीं मैं खुद जेड व्यवसाय से जुड़ी हूँ क्या माँ जिंगशान हैरान थी उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि काव्या ने शायद अपने दम पर एक कंपनी शुरू की है श्री माँ क्या आपने यह खबर सुनी है कि सिटी टेंग में वांग परिवार की जगह एक नई जेड़ कंपनी ने ले ली है काव्या ने पूछा हाँ, और मैंने सुना है कि यह एक महिला ने किया है माँ जिग्निशान ने कहा फिर अचानक रुक गई बिल्कुल नहीं क्या वह महिला आप ही है उसे इस पर विश्वास नहीं हो रहा था लेकिन यह बहुत संभव था हाँ यह मैं हूँ काव्या ने कहा वह दिखावा नहीं कर रही थी लेकिन उसने सोचा कि उसे अपने दोस्त के प्रति ईमानदार रहना चाहिए वे एक ही उद्योग में व्यवसाय कर रहे थे इसलिए अगर वह उसे सच बताती तो इससे उन्हें अनावश्यक और अन्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा से बचने में मदद मिल सकती थी न केवल माँ जिंगशान बल्कि उनके पक्ष के अन्य लोग भी आश्चर्यचकित थे उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके सामने यह युवा लड़की वाम परिवार की जगह लेने में सक्षम थी वे निश्चित नहीं थे कि क्या काव्या ही वह कारण थी जिसके कारण वांग परिवार ने रातों रात अपना प्रभाव और स्थिति खो दी लेकिन फिर भी इसे प्रतिस्थापित करना आसान नहीं था उस स्थिति में काव्या के पास उसकी पीठ पीछे शक्तिशाली संबंध या समर्थन होना चाहिए इसके अलावा यह कोई रहस्य नहीं है कि कलरफुल जेड प्रोवाइडर उद्योग में बहुत सफल था भले ही काव्या ने कंपनी का प्रबंधन खुद नहीं किया हो फिर भी वह इसकी मालिक थी वह एक चतुर व्यवसायी महिला थी और वह जानती थी कि कंपनी को चलाने के लिए एक सक्षम प्रबंधक कैसे खोजा जाए यदि वह अपना व्यावसायिक साम्राज्य बनाना चाहती थी तो उसे यह सीखना होगा कि ऐसा करने में मदद के लिए कई कुशल लोगों पर कैसे भरोसा किया जाए मिस काव्या क्या मैं आपकी उम्र जान सकता माँ जिंगशान ने पूछा उन्नीस काव्या ने कहा यह सुनकर माँ जिंगशान को बहुत आश्चर्य हुआ आप अपने साथियों से बहुत बेहतर है माँ जिंगशान ने कहा काव्या ने कहा आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद मिस्टर माँ हम एक ही उद्योग में व्यवसाय कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य है लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम कुछ गंदी चालों का उपयोग करने के बजाय नियमों के अनुसार एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा हमेशा भयंकर थी जरूर माँ जिंगशान ने कहा और सहमति व्यक्त की सहकर्मी दुश्मन नहीं थे जब तक कोई गंदी चाल नहीं चलता वे एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रह सकते थे बाद में वे कुछ पेय और भोजन करने के लिए पास के रेस्तरा में एक साथ गए और आधे घंटे बाद अपनी सीटों पर वापस चले गए दूसरे भाग के दौरान काव्या ने दो आंशिक रूप से कटे हुए जेड़ कच्चे माल और चार पूर्ण जेड़ कच्चे माल जीते उन प्रत्येक जेड़ कच्चे माल में उच्च गुणवत्ता की जेड़ थी जब नीलामी समाप्त हुई तो आखिरी और सबसे मूल्यवान जेड़ कच्चा माल स्क्रीन पर दिखाया गया काव्या को उसमें किंग्स ग्रीन का एक टुकड़ा नजर आया हालांकि किंग्स ग्रीन पुराने पिट ग्लास जेड़ के समान स्तर पर था लेकिन इसकी कीमत बहुत अधिक थी भले ही यह बहुत बड़ा नहीं था फिर भी यह बहुत महंगा था हालांकि हॉल में मौजूद अन्य लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि किंग्स ग्रीन अंदर कितना बड़ा है काव्या ने इसके आकार के हिसाब से इसकी कीमत लगभग तीन मिलियन युवा है इसलिए बोली मूल्य दो मिलियन युवा चाहिए एक बार किंग्स ग्रीन दिखाए जाने के बाद बोली लगाने वाले इसके दीवाने हो गए हालांकि किंग्स ग्रीन कम ही देखने को मिलता था लेकिन इसकी कीमत अनुचित रूप से अधिक भी हो सकती थी इसलिए काव्या फ़िलहाल चुप रही उसने प्रतीक्षा करने और यह देखने की योजना बनाई कि बोली मूल्य उचित स्थान पर रुकेगा या नहीं डोंगफेंग इसके बजाय ज्यू ने कीमत 250 मिलियन युवा दी वह किंग्स ग्रीन को मिस करने से झिझक रही थी क्योंकि उसे इससे मजबूत जादुई शक्ति का एहसास होता था हालांकि यह वह उच्चतम कीमत नहीं थी जिस पर जेड बेचा जा सकता था काव्या ने इसे छोड़ दिया क्योंकि यह प्रयास के लायक नहीं था परिणाम स्वरूप डोंगफेंग जू ने किंग्स ग्रीन जीता जब नीलामी खुम हो गई तो वे बिल का भुगतान करने और कुछ कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करने गए हॉल से बाहर निकलने के बाद झांग देखवान झाओ यूएफिंग और अन्य लोग काव्या के पास गए मिस काव्या आप कब वापस जाएंगी झांग देखवान ने उससे पूछा बहुत जल्द ही आपके बारे में क्या ख्याल है मिस्टर झांग काव्या ने कहा मैं भी झांग देखवान ने उत्तर दिया सिटी टैंक बहुत करीब था और वे दो या तीन घंटे में वहां पहुंच सकते थे इसके अलावा बर्मा एक सुरक्षित देश नहीं था इसलिए उन्हें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद झाउ यूफेंग चले जाएंगे लोगों के लिए दस्तावेज भरने के लिए कई खिड़कियां थी इसलिए काव्या ने थोड़ी देर बाद कानूनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हालांकि उसके पास बहुत अधिक जेड़ कच्चा माल नहीं था लेकिन वे उसके साथ ले जाने के लिए बहुत भारी थे मेज़बान ने उन्हें पहुंचाने के लिए एक एमपीवी की व्यवस्था की काव्या पहले अपना सामान पैक करने के लिए होटल वापस गई फिर सिटी टैंक के लिए रवाना हो गई हालांकि काव्या का इरादा डोंगफैन पर नजर रखने का था जीव अभी उसके लिए ऐसा करने का सही समय नहीं था खेती की दुनिया उनकी दुनिया से अलग हो गई थी और सामान्य मनुष्य उस तक नहीं पहुंच सकते थे ऐसे में भले ही काव्या डोंगफेंग पर कड़ी नज़र रखती हो जीव और वो सुनहुआ वे अभी भी किसी भी क्षण दृष्टि से ओझल हो सकते हैं इसके अलावा डोंगफेंग के लिए यह बहुत आसान था ज्यू और वो सुनहुआ यह पता लगाने के लिए कि उनका पीछा कौन कर रहा था वैसे भी काव्या को लग रहा था कि देरसबेर वे फिर एक दूसरे से मिलेंगे उसी समय अयुमी यामागुची को जी देखना था बेंग जा रहा है बर्मा सुरक्षित नहीं था लेकिन हर कोई खतरे की चपेट में नहीं आता जब तक कि व्यक्ति की किस्मत खराब न हो दुर्भाग्य से काव्या ने आधे रास्ते में दो अजीब कारों को देखा एक उनके आगे गाड़ी चला रहा था जबकि दूसरा उनके पीछे था उसने अपनी जेड आंखों का इस्तेमाल किया और एमपीवी में बंदूकों के साथ बैठे लोगों को देखा जो उनसे ज्यादा दूर नहीं थे वे या तो सैनिक या लुटेरे होंगे और काव्या ने इसका पता लगाने का फैसला किया कार में उनमें से सात लोग थे ड्राइवर को छोड़कर उनमें से प्रत्येक के पास कम से कम एक बंदूक थी लेकिन वे सभी सैन्य वर्दी के बजाय सामान्य कपड़ों में थे इसके अलावा वे बुरे दिखते थे और काव्या को लगभग यकीन था कि वे लुटेरे थे उनमें से पीछे की सीटों पर बैठे दो लोग कभी कभार अपनी कार को घूरने के लिए मुड़ते थे वे उन्हें घूर रहे थे काव्या को घबराहट महसूस हुई और अब उसे पूरा यकीन हो गया कि वे अच्छे लोग नहीं थे लुटेरे आगे वाली कार में थे उनके पीछे वाली कार के बारे में क्या ख्याल है ये सोचते हुए काव्या पलट गई पीछे एक प्राइवेट कार थी और उसमें चार लोग थे ड्राइवर को छोड़कर बाकी तीन लोगों के पास बंदूक भी थी काव्या तुम क्या देख रही हो जी बेंग और नान पिछली पंक्ति में बैठे थे जब काव्या ने अंतरिक्ष की ओर देखा तो जी बेंग को उत्सुकता हुई कुछ नहीं काव्या ने सिर हिलाया उसने जी को न बताने का फैसला किया अभी बेंग इसके बजाय उसने अपना फोन निकाला और एक ही बार में शब्दों की पंक्तियां टाइप कर दी काव्या गोली मारो अब हम खतरे में हैं सामने वाली एमपीवी में सात लोग हैं ड्राइवर को छोड़कर बाकी छह लोगों के पास कम से कम एक बंदूक है पीछे की निजी कार भी खतरा है इसमें चार हैं ड्राइवर को छोड़कर बाकी तीन लोगों के पास बंदूक है मुझे नहीं लगता कि वे सैनिक हैं वे अवश्य ही लुटेरे होंगे इसके बाद काव्या ने अपना फोन लेंग को दे दिया गोलीबारी लेंग शूटिंग को पता था कि उसकी आंखें जेड़ हैं इसलिए उसे उसके संदेश से कोई आश्चर्य नहीं हुआ पर लेंग शॉटिंग ने संदेश पढ़ा वह चौंक गया और गंभीर भाव व्यक्त किया उन्हें उन लुटेरों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता निकालना था केवल लेंग शूटिंग काव्या और जी बेंग के पास बंदूकें थी लेंग शाउटिंग एक वरिष्ठ सैनिक थे इसलिए उन्हें अपने साथ बंदूक ले जाने की अनुमति थी काव्या के पास अपनी बंदूकें रखने में मदद करने के लिए टेलीपैथिक नेत्र स्थान था जी हालांकि बेंग का जन्म एक युद्ध सामग्री परिवार में हुआ था इसलिए उसके पास एक विशेष बंदूक थी जो किसी भी सुरक्षा जांच को पार कर सकती थी विशेष बंदूक की मात्रा सख्ती से सीमित थी और यह खुले बाज़ार में उपलब्ध नहीं थी केवल जी परिवार के प्रमुख सदस्य ही इसके मालिक हो सकते थे हालांकि लेंग शूटिंग और जी शाओमिन घनिष्ठ मित्र थे वह केवल लेंग को ही दे सकते थे बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम बंदूक से गोली चलाना लेंग से पहले शूटिंग ने उन लुटेरों से छुटकारा पाने का एक अच्छा तरीका निकाला उनके सामने कार अचानक रुक गई अभी कार रोको काव्या ने तुरंत अपने ड्राइवर से कहा क्या गलत जीबेन ने असमंजस के साथ पूछा लेकिन काव्या के पास उसे समझाने का समय नहीं था ड्राइवर ने काव्या की बात सुनी और कार रोक दी लेकिन वे अब लुटेरों से केवल तीन मीटर की दूरी पर थे जैसे ही उनकी कार रुकी वे लुटेरे अपनी बंदूक लेकर बाहर कूद पड़े कोई रास्ता नहीं लुटेरे ड्राइवर को एहसास हुआ कि कुछ भयानक होने वाला है ड्राइवर स्थानीय नागरिक था इसलिए वह जानता था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है वेंगदा सामने वाली यात्री की सीट पर बैठे थे और वह भी इस दृश्य से हैरान थे उनके सामने सड़क पर लुटेरों का एक झुंड था क्या लुटेरे जी बेंग और नान ने चिल्लाकर कहा आपने नीलामी में बहुत सारे मूल्यवान कच्चे माल जीते होंगे और उन्होंने आप पर ध्यान दिया होगा अगर वे आपका कीमती सामान चाहते हैं तो उन्हें दे दें और शायद आप बच सकते हैं ड्राइवर ने कापती आवाज में कहा ऐसा पहले भी कई बार हुआ था कि लुटेरे अमीर बोली लगाने वालों का घर लौटते समय पीछा करते थे आमतौर पर वे केवल पैसा चाहते थे इसलिए वे हत्या नहीं करते थे कुछ सेकंड बाद पीछे की निजी कार भी रुकी और बंदूकों से लैस कई आदमी बिना देर किए उसमें से बाहर निकले अब काव्या और उसकी सहेलियों का बचना नामुमकिन था क्योंकि वे केवल मूल्यवान जेड़ कच्चा माल चाहते हैं हम उन्हें उन्हें दे सकते हैं सतर्क रहो यदि यह संभव है तो हम वापस लड़ सकते हैं काव्या ने लेंग से कहा शूटिंग जी बेंग और अन्य उसे जेड कच्चे माल की परवाह नहीं थी उनकी सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण थी हालांकि यदि यह संभव होता तो वह वापस लड़ने का मौका जब्त कर लेती उनमें से पांचों सभी कुशल योद्धा थे इसलिए उनके लिए कई लुटेरों को हराना आसान था काव्या किसी को भी उसका फायदा उठाने और बच निकलने की इजाजत नहीं देगी कोई समस्या नहीं उन्होंने कहा जी बेंग भी अपमान नहीं सहती थी इसलिए उसने भी प्रतिकार करने की ठान ली थी अगले ही पल उनकी कार को हथियारबंद लुटेरों ने घेर लिया उनमें से एक आगे बढ़ा और कार की खिड़की पर दस्तक देकर उन्हें बाहर निकलने के लिए कहा काव्या और बाकी लोगों ने उसकी बात सुनी कई लुटेरों ने उनकी पीठ पर बंदूकें तान दी और उन्हें एक तरफ बैठने के लिए मजबूर कर दिया हमें सिर्फ पैसा चाहिए आपकी जिंदगी नहीं यदि आप जीवित रहना चाहते हैं तो चुप रहें एक डाकू ने अंग्रेजी में कहा उन्होंने अपने कृत्य को छिपाने की जहमत नहीं उठाई हालांकि इस सड़क से गुजरने वाले अन्य कार चालकों ने उन्हें देखा लेकिन किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की बल्कि वे सभी तेजी से आगे बढ़े और जल्द ही निकल गए एक बार जब काव्या और अन्य लोग अपनी कार से बाहर निकले तो वे लुटेरे उसमें घुस गए और जेड़ का सारा कच्चा माल निकाल लिया काव्या और उसके दोस्तों की सुरक्षा के लिए चार लुटेरों को छोड़ दिया गया जबकि अन्य चार लुटेरों ने जेड़ कच्चे माल को अपने एमपीवी में ले जाया वे नहीं जानते थे कि काव्या और उसके दोस्त कमजोर लोग नहीं थे इसलिए उन्होंने सोचा कि उनमें से चार लोग उन्हें आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं जैसे ही अन्य चार लुटेरे जेड़ कच्चे माल को एमपीवी में ले गए काव्या और उसके दोस्तों ने मौके का फायदा उठाया मौन सहमति से उन्होंने उन लुटेरों पर हमला करना शुरू कर दिया वे लुटेरे आश्चर्यचकित थे और इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे काव्या ने संकोच नहीं किया और उसकी मदद करने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया उसने अपने हाथों में दो पिस्तौलें पकड़ रखी थी फिर उसने सामने मौजूद दो लुटेरों पर गोली चला दी मस्त है गोलियां उनकी गोद में लगी और वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े अचानक गोलियों की आवाज ने जी सहित सभी को चौंका दिया बेंग और अन्य लेकिन लेंग शूटिंग शांत रही जी बेंग और अन्य लोगों को नहीं पता था कि काव्या के पास बंदूकें थी लेकिन उनके पास अभी इसके बारे में आगे सोचने का समय नहीं था अन्य दो लुटेरों ने बिना देर किए जेड़ का कच्चा माल अपने हाथों में रख लिया और वापस लड़ने के लिए तैयार हो गए हालांकि इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते काव्या ने उनकी बंदूकों को खंजर से बदल दिया और उनकी बेल्टें काट दी फिर उनकी बंदूकें वापस लेंग की ओर फेंक दी गोलीबारी लेंग शूटिंग ने अभी अभी दो लुटेरों को पीटा था फिर काव्या की ओर दौड़ा और बिजली की तरह बंदूकें उठा ली काव्या द्वारा फेंकी गई बंदूकें उठाने के बाद लेंग शूटिंग ने तुरंत उन दो लुटेरों की बंदूकें हटा दी जिनकी गोद में गोली लगी थी लेंग उनकी छाती पर भी जोरदार प्रहार किया गया उनकी पसलियां स्पष्ट ध्वनि के साथ टूट गई ऐसे में अब दोनों में से कोई भी उनके लिए खतरा नहीं था मेंगदा उसी समय एमपीवी चालक के पास दौड़ी और चालक को नियंत्रित करना चाह अपनी जेड़ आंखों से काव्या ने देखा कि कार में कोई बंदूकें या बम नहीं बचे हैं इसलिए उसने मैंगदा को नहीं रोका कुछ ही देर में सभी लुटेरे जमीन पर गिर पड़े उन लुटेरों को अब इससे अधिक आश्चर्य नहीं हो सकता था उन्हें इतने सारे लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी जो लड़ने में उत्कृष्ट थे और जिनके पास बंदूकें भी थी काव्या ने अपना जेड कच्चा माल वापस उनकी कार में रख दिया जहां तक एमपीवी ड्राइवर की बात है काव्या का उसे चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था ड्राइवर उन गंभीर रूप से घायल लुटेरों को भगा सकता था यह जानकर कि काव्या उसे चोट नहीं पहुंचाएगी ड्राइवर को काफी राहत महसूस हुई उसने सोच लिया था कि आज उसकी हत्या कर दी जाएगी काव्या अकेले सारे जेड कच्चे माल को वापस नहीं ले जा सकती थी इसलिए जी बेंग और नान उसकी मदद के लिए दौड़े काव्या तुम बहुत अविश्वसनीय हो आप अकेले उन्हें कुछ ही सेकंड में कैसे हरा सकते हैं जी बेंग इस दृश्य से स्तब्ध रह गई वह जानती थी कि काव्या कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी लेकिन काव्या की युद्ध कौशल उसकी कल्पना से परी थी लेंग शूटिंग काव्या की तुलना में थोड़ी धीमी थी क्योंकि काव्या को अपनी जादुई शक्ति का सहारा था यदि उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया होता तो वह लेंग से अधिक तेज़ नहीं चल पाती गोलीबारी काव्या सिर्फ मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली उन लुटेरों के पास बंदूकें तो थी लेकिन वे लड़ने में कुशल नहीं थे वे सामान्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत थे लेकिन काव्या से उनकी तुलना मुश्किल से ही की जा सकती थी लेंग गोली चलने से सभी बंदूके एमपीवी में ही रह गई क्योंकि वे बंदूकें लेकर नहीं निकल सकते थे इससे उन्हें परेशानी होती जी बेंग और अन्य लोग यहाँ थे इसलिए वह बंदूकों को काव्या की टेलीपैथिक आंख की जगह में भी नहीं डाल सका काव्या और उसकी सहेलियां जिस कार से गई उसका ड्राइवर भी डरा हुआ था वह अब डर से भी काम रहा था इसलिए मैंगा ने उसकी जगह कार चलाई शुरू से आखिर तक इस सड़क से इक्कादुक्का वाहन गुजर रहे थे इसके अलावा लड़ाई केवल पांच मिनट तक चली और वे जल्द ही चले गए हालांकि दो मिनट बाद डोंगफेंग जियू और वो शुनहुआ एक निजी कार से गुजरे इस समय जो भाग्यशाली ड्राइवर बच गया वह उन गंभीर रूप से घायल लुटेरों को वापस कार में खींच रहा था दृश्य देखकर निजी कार का चालक जो डोंगफेंग था जीव और वो शुनहुआ तेजी से बैठे और तेजी से चले गए क्या हुआ वो शुनहुआ ने असमंजस से पूछा उन्होंने सोचा कि यह एक कार दुर्घटना थी लेकिन एमपीवी ठीक थी और केवल लोग ही बुरी तरह घायल हुए थे ड्राइवर ने कहा वे लोग लुटेरे हैं और उन्होंने एक और कार लूटने की कोशिश की होगी लेकिन असफल रहे उनके पास बंदूकें हैं लेकिन फिर भी असफल रहे डोंगफैंग ज्यू आश्चर्य के था उसने नहीं सोचा था कि सामान्य मनुष्य बंदूकों से लड़ने में सक्षम है मैं उत्सुक हूं वे कौन लोग हैं जिन्हें उन्होंने लूटने की कोशिश की ऐसा लगता है जैसे ये कुछ देर पहले ही हुआ हो हम यह देखने के लिए तेजी ला सकते हैं कि हमसे आगे कौन है वो सुन उत्साहित था डोंगफेंगजू भी इसका पता लगाना चाहती थी इसलिए उसने उसे नहीं रोका इसलिए ड्राइवर ने तुरंत गति बढ़ा दी फिर भी चाहे वह कितनी भी तेज़ कार चलाए वह सामने वाली कार तक नहीं पहुंच सका क्योंकि मैंगा बहुत कुशल ड्राइवर थी जब काव्या और उसकी सहेलियां बहुत आगे निकल गई तो उनके साथ बैठे ड्राइवर को आख़िरकार होश आ गया वाह तुम सचमुच अद्भुत हो हालांकि उसने सोचा कि उन हथियारबंद लुटेरों के ख़िलाफ़ लड़ना उनके लिए बहुत खतरनाक था लेकिन यह स्पष्ट था कि वे लुटेरे उनके मुकाबले के नहीं थे लगभग आठ बजे वे बर्मा और झेंग से चले गए पेंग सीमा शुल्क पर उनका इंतज़ार कर रहा था एक बार जब वे पहुंचे तो बर्मा के ड्राइवर ने कार वापस चला दी काव्या और अन्य लोग जेड़ कच्चे माल को झेंग की कार में ले गए पेंग ने गाड़ी चलाई और वे एक साथ सिटी टेंग गए डोंगफेंग जियू और वो सुन बाद में सीमा शुल्क पर आए उन्हें थोड़ी निराशा हुई कि उन्हें पता नहीं चल सका कि उनके सामने कौन है झेंग पेंग ने काव्या और उसके दोस्तों के लिए एक आलिशान होटल में कई कमरे बुक किए जबकि काव्या ने उसके लिए जेड कच्चा माल छोड़ दिया वे पहले होटल में भोजन करने गए क्योंकि वे भूख से मर रहे थे डिनर के दौरान काव्या अगले दिन के लिए राजधानी के लिए फ्लाइट टिकट कर रही थी उन्हें कोई जल्दी नहीं थी इसलिए उन्होंने कल दोपहर दो बजे का हवाई जहाज का टिकट बुक डोंग जियू और वू सुनुआ ने उनका पीछा किया और उनके साथ उसी होटल में रुके केंग में सबसे प्रसिद्ध पांच सितारा होटल था इसलिए सभी अमीर लोग यहाँ रुकते थे जी वास्तव में बेंग के पास आज डकैती के बारे में कई प्रश्न थे लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और उसे जाने दिया वे सभी थके हुए थे इसलिए रात के खाने के बाद वे अपने कमरे में आराम करने चले गए जिस क्षण काव्या और लेंग शूटिंग वापस अपने कमरे में थी काव्या को अगले कमरे से कुछ परिचित होने का एहसास हुआ यह कुछ कुछ उसकी जादुई शक्ति के समान था और काव्या को लगा कि यह डोंगफ से है जीव और वो शुनहुआ को रहस्यमय शक्ति कहा जाता था क्या वे भी इसी होटल में ठहरे हैं यह सुनिश्चित करने के लिए काव्या ने अगले कमरे को देखने के लिए अपनी जेड़ आंखों का उपयोग किया फिर उसे डोंगफैंग मिला जीव अकेले बैठी है ध्यान में डूबी हुई है और उसके सामने जेड का एक टुकड़ा रखा हुआ है हालांकि यह सबसे आश्चर्यजनक चीज नहीं थी जो उसे मिली काव्या को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात से हुआ कि जेड़ की जादुई शक्ति डोंगफेंग में समाहित होती जा रही थी जियू का काव्या ने सदमे से अपनी आंखें गोल कर ली लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि साधकों को अपने आंतरिक अनुशासन का अभ्यास करने के लिए वास्तव में जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है हालांकि डोंगफेंग जियू अपनी प्रैक्टिस के बीच में थी उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है हालांकि वह इसका कारण समझ नहीं पाई क्योंकि यह कमरा पूरी तरह से बंद था उसने कमरे की तलाशी ली और कोई निगरानी कैमरा नहीं मिला शायद यह गलत धारणा थी वह अभी अपने अभ्यास के बीच में थी इसलिए वह रुक नहीं सकती थी अन्यथा उसकी आत्मा को नुकसान पहुंचता इसलिए उसे जारी रखना पड़ा भले ही उसे लगे कि कोई उसे घूर रहा है काव्या को यह भी समझ में आ गया कि सभी साधकों के पास तीव्र इंद्रिया होती हैं इसलिए उसने जल्द ही अपनी नजर हटा ली काव्या क्या हुआ लेंग शूटिंग ने चिंता के साथ काव्या से पूछा चुप रहे काव्या ने लेंग को बताने के लिए हाथ का इशारा किया उसकी आवाज धीमी रखने के लिए गोली मारी फिर उसे बेडरूम में खींच लिया डोंगफफेंग जियू लिविंग रूम बगल में बैठा था इसलिए काव्या को डोंगफेंग की चिंता थी जियू उनकी चर्चा सुन सकता है जी बेंग उनके शयन तक्ष के बगल वाले कमरे में रह रही थी लेकिन जी बेंग एक साधारण व्यक्ति थी इसलिए वह उनकी बातें नहीं सुन सकी काव्या ने दोबारा अपना मुंह नहीं खोला महिला कृषक अगले कमरे में है यह सुनकर लेंग शूटिंग को आश्चर्य हुआ काव्या ने अचानक कहा किसानों की इंद्रियां तीव्र होती हैं इसलिए हम आज रात ज्यादा शोर नहीं कर सकते लेंग शूटिंग को काव्या का मतलब समझ में आ गया और वह थोड़ा परेशान हो गई क्योंकि वे आज रात सेक्स नहीं कर सके काव्या ने बस यही सोचा कि अगर डोंगफेंक हुआ तो यह बेहद शर्मनाक होगा जीव ने उनके प्यार करने की आवाज़ सुनी लेंग शूटिंग ने काव्या का सम्मान किया इसलिए वह सहमत हो गया सोने से पहले उसने केवल उसे चूमा और गले लगाया काव्या और लेंग डोंगफेंग के मामले में शूटिंग ने भी ज्यादा बात नहीं की ज्यू ने कोई महत्वपूर्ण बात सुनी डोंगफेंग ज्यू ने रात ग्यारह बजे अभ्यास करना बंद कर दिया अच्छी जेड़ से जादुई शक्ति को अवशोषित करने के बाद उसकी रहस्यमय शक्ति में थोड़ा सुधार हुआ लेकिन उसे अभी भी अधिक से अधिक जादुई शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता थी उसे अपने आंतरिक अनुशासन के अगले स्तर तक पहुंचने में काफी समय लगेगा डोंगफेंग जीव ने बिस्तर पर जाने से पहले स्नान किया अगले दिन सुबह करीब सात बजे सभी लोग उठ गए काव्या और अन्य लोगों ने डोंगफैंग को नहीं देखा जियू और वो शुनहुआ जब अपने कमरे से बाहर निकले लेकिन वे उनसे डाइनिंग हॉल में मिले डोंगफैंग जीव और वो शुनहुआ काव्या और उसके दोस्तों को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए लेकिन उन्होंने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया नाश्ता करने के बाद काव्या और अन्य लोग चले गए जियू क्या वे वही लोग हो सकते थे जिन्हें उन लुडेरों ने लूटा था वो शुनहुआ ने पूछा कि काव्या और उसके दोस्त कब चले गए वे देख सकते थे कि काव्या और उसके दोस्त लड़ने में अच्छे थे डोंगफेंग जू ने सोचा कि यह संभव है अगर ऐसा है तो उन्हें मार्शल आर्ट बहुत उत्कृष्ट होना चाहिए डोंगफेंग ज्यू ने कहा आठ हथियारबंद लुटेरों को हराना आसान नहीं था हालांकि काव्या ने बंदूकों का भी इस्तेमाल किया लेकिन फिर भी यह बहुत मुश्किल था यह महत्वपूर्ण नहीं है आइए अब अपने नाश्ते का आनंद लें डोंगफेंग जू ने जोड़ा काव्या और अन्य लोगों ने सुबह नौ बजे चेक आउट करने की योजना बनाई आप हमारे साथ चलोगे या नहीं काव्या ने जी से पूछा बेईंग मैं आपके साथ जाऊंगा मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या करना है जी बेंग ने कहा बहुत बढ़िया हम सुबह नौ बजे चेक आउट करेंगे काव्या ने कहा जरूर जी बेंग ने कहा सुबह नौ बजे उन्होंने एक साथ चेकआउट किया और कलरफुल जेड़ प्रोवाइडर के पास गए वाह जेड़ के बहुत सारे टुकड़े हैं जी जैसे ही वह फैक्ट्री में दाखिल हुई बेंग ने चिल्लाकर कहा भले ही वह जेड़ के बारे में बहुत कम जानती थी लेकिन वह जानती थी कि जेड़ को काटना मुश्किल है खासकर उच्च गुणवत्ता वाली जेड़ को फिर भी काव्या के पास जेड़ आंखें थी इसलिए उसके लिए अच्छी जेड ढूंढना बहुत आसान था काव्या मैंने सोचा था कि आप केवल जेड ब्यूटी ज्वेलरी मालिक हैं लेकिन यह पता चला है कि आप सिटी टेंग में तीन सबसे बड़े जेड प्रदाताओं में से एक के मालिक भी हैं जी बेंग ने काव्या की अब पहले से कहीं अधिक प्रशंसा की और भी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते काव्या ने रहस्य में मुस्कान के साथ कहा आपके पास और कौन सी कंपनियां हैं जी बेंग ने उत्सुकता से पूछा अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे बताऊं तो इसमें कोई मज़ा नहीं है आप खुद ही पता लगा सकते हैं काव्या ने कहा आप ठीक कह रहे हैं जी बेंग ने सिर हिलाया उसी समय डोंगफेंग जियो और वो शुनहुआ जेड़ कच्चे माल की सड़क पर गए वे पत्थर पत्थरजन नहीं खेलते थे बल्कि सिर्फ जेड़ की बोली लगाने के लिए यहाँ आए थे थोड़ी देर चलने के बाद डोंगफेंग जियो को सड़क के किनारे कलरफुल जेड़ प्रोवाइडर का कार्यालय मिला उन्हें नहीं पता था कि यह काव्या की कंपनी है लेकिन उन्हें लगा कि वहां बहुत सारी जेड़ हो सकती है बिना किसी हिचकिचाहट के डोंगफेंग जियो और वो शुनहुआ अंदर चले गए रंगीन जेड़ प्रदाता कार्यालय में आपका स्वागत है रिसेप्शनिस्ट ने विनम्रता से उनका स्वागत किया क्या आपके पास उच्च गुणवत्ता का जेड़ है फैंग जीव ने पूछा उसने पहले कलरफुल जेड प्रोवाइडर के बारे में नहीं सुना था या उसने यह सवाल नहीं पूछा होता क्योंकि कलरफुल जेड प्रोवाइडर अब आभूषण उद्योग में एक प्रसिद्ध जेड़ कंपनी है बेशक हमारे पास है क्या आप एक आभूषण व्यवसायी के रूप में हमारे साथ सहयोग करना चाहते हैं या एक ग्राहक के रूप में जेड़ खरीदना चाहते हैं रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कलरफुल जेड प्रोवाइडर के पास अपनी जेड बेचने के दो तरीके थे एक आभूषण व्यवसायियों के साथ सहयोग करना दो व्यक्तिगत ग्राहकों को बेचना कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा रास्ता चुना गया राशि सीमित थी डोंगफेंग जियू और वो शुनहुआ यह सुनकर खुश हुए मैं सिर्फ एक ग्राहक हूँ डोंगफेंग जियू ने कहा वह जानती थी कि एक आभूषण व्यवसायी के रूप में जेड़ प्रदाता के साथ सहयोग करने के लिए कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता है लेकिन अभी उनके पास वे नहीं थे ठीक है हम प्रत्येक ग्राहक को हर महीने विभिन्न स्तरों के जेड़ के केवल दो टुकड़े ही दे सकते हैं यह कहते हुए रिसेप्शनिस्ट ने एक पुस्तिका निकाली जिसमें जेड़ की बिक्री की सारी जानकारी थी हालांकि जेड़ के प्रत्येक टुकड़े के आकार और वजन की विशिष्ट संख्याएं थी वे ग्राहक के सामने फिर से मापते थे इसके अलावा यदि ग्राहक जेड़ खरीदना चाहता है तो उसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा हर महीने जेड़ के दो टुकड़े यह पहली बार था कि डोंगफेंग जियू और वो शुनहुआ ने जेड़ खरीदारी की सीमा के बारे में सुना था सौभाग्य से उनमें से दो थे इसलिए वे जेड़ के कुल चार टुकड़े खरीद सकते थे वे विभिन्न स्तरों की जेड़ भी चुन सकते हैं कृपया बैठिए और आनंद लीजिए रिसेप्शनिस्ट ने डोंगफेंग को आमंत्रित किया जीव और वो शुनहुआ को लाउंज में बैठने के लिए कहा गया फिर उन्हें पुस्तिका दी और उनके लिए दो कप चाय डाली पुस्तिका में शीर्ष स्तर की जेड़ नहीं थी क्योंकि शीर्ष स्तर की जेड़ आभूषण व्यवसायियों के लिए रखी गई थी अंत में डोंगफैंग जीव और वो शुनहुआ ने जेड़ के दो टुकड़े खरीदे लगभग 11 बजे काव्या और अन्य लोग झेंग के साथ भोजन करने गए पेंग दोपहर के भोजन के बाद पहले से ही बारह बजकर तीस मिनट बजे थे इसलिए झेंग पेंग काव्या और उसके दोस्तों को हवाई अड्डे तक ले गया विमान दोपहर दो, दो बजकर दस मिनट बजे उड़ान भरेगा इसलिए काव्या और उसके दोस्त दोपहर एक बजे हवाई अड्डे पर पहुंचे उन्होंने प्रथम श्रेणी के लिए हवाई टिकट बुक इसलिए उनके पास एक अलग वीआईपी लाउंज था जी बेंग यह सोचकर बहुत उत्साहित थी कि वह काव्या के साथ राजधानी में मौजमस्ती कर सकेगी यह पहली बार नहीं था कि वह राजधानी आई थी लेकिन इस बार उसे काफी अलग महसूस हुआ जी बैंग सामान्य रूप से छोटी बच्ची जैसी थी लेकिन जब कोई गंभीर बात हो तो वह बहुत परिपक्व और स्थिर हो सकती थी संयोगवश उनकी मुलाकात डोंगफेंग से हुई जीव और वो शुनहुआ फिर से एक ही विमान में डोंगफेंग जीव और वो शुनहुआ इकोनॉमी क्लास में बैठे थे इसलिए उन्होंने एक दूसरे से बात नहीं की हम उनसे हर जगह क्यों मिल रहे हैं वो शुनहुआ ने डोंगफेंग से कहा जीव यही बात काव्या ने अपने दोस्तों से भी कही हम उनसे हर जगह मिले हैं वास्तव में लेंग जब भी वे कृषकों के बारे में बात करते थे तो शूटिंग चिंतित हो जाती थी क्योंकि उसे डर था कि वे काव्या को चोट पहुंचा सकते थे हालांकि वह उसे उनके खिलाफ लड़ने से नहीं रोक सका काव्या ने लेंग को महसूस किया शूटिंग का भावनात्मक परिवर्तन फिर उसे सांत्वना देने के लिए अपने कानों के पास धीमी आवाज में कहा मुझे पता है कि आप मेरे बारे में चिंतित हैं लेकिन वे दुष्ट प्रथा के सदस्य नहीं हैं मैं ठीक हूं यह सुनकर लेंग शूटिंग ने सिर हिलाया एक घंटे पंद्रह मिनट बाद विमान सिटी कुन के हवाई अड्डे पर उतरा यह यहाँ चालीस मिनट तक रुकेगी जिन आगंतुकों का गंतव्य सिटी कुन था वे सभी विमान से उतर गए और काव्या ने डोंगफैंग पर विशेष ध्यान दिया जीव और वो शुनहुआ उसने पाया कि वे विमान में ही रुके थे इसलिए उसे यकीन था कि वे भी राजधानी जा रहे थे डोंगफैंग के बाद से ज्यू और वो शुनहुआ भी राजधानी की ओर जा रहे थे काव्या ने सोचा कि उसे पता लगाना चाहिए कि वे वहां क्या कर रहे होंगे काव्या ने तुरंत के को एक संदेश भेजा और उसे डोंगफैन को ट्रैक करने के लिए कहा जीव और वो सुन हुआ चूंकि वह उनकी तस्वीरें नहीं ले सकती थी इसलिए उसने केवल के को उनकी शक्ल और उम्र के बारे में बताया इसके बाद काव्या ने अपना फोन बंद कर दिया लेंग शूटिंग ने यह देखने के लिए अपना फोन भी चेक किया कि कहीं उसकी कोई मिस्ड कॉल तो नहीं है उसने पाया कि जू जिनचेंग ने उसे फोन किया था और एक संदेश छोड़ा था जू जिनचेन शूटिंग सॉन्ग हाउ यू आपको चुनौती दे रहा है क्या आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं मुझे पता है कि आप आज राजधानी वापस आ रहे हैं इसलिए मुझे पहले आपकी राय पूछनी होगी हालांकि ये केवल शब्दों की पंक्तियां थी लेंग शूटिंग महसूस कर सकती थी कि जू जिनचेन अब खुश हो रहा था जू ही नहीं जिनचेन लेकिन रेड फ्लेम के बाकी सभी सदस्य भी यही काम कर रहे थे वे जानते थे कि केवल सॉन्ग हाउ यू ही लेंग से तुलनीय था सेना में गोलीबारी वे यह जानने को उत्सुक थे कि कौन बेहतर है हालांकि सॉन्ग हाउ यू हर बार हार गया लेकिन लेंग शूटिंग का भी कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ क्योंकि सोनहायू हर बार हार जाता था वह लेंग को चुनौती देता रहा एक बार शूटिंग करना संभव था उनके युद्ध कौशल के बीच कोई अंतर नहीं था इसलिए सोनहायू हमेशा लेंग को हराना चाहता था गोलीबारी सोनहायू भी सेना में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे वह इस वर्ष उनतीस वर्ष के थे और ईगल्स के नेता थे जो एक शीर्ष दस्ता था लेकिन उनकी सैन्य रैंक लेंग से कम थी गोलीबारी वह एक वरिष्ठ कर्नल थे हालांकि ईगल्स रेड फ्लेम से बेहतर नहीं थे लेकिन यह ज्यादा खराब भी नहीं था लेंग शाउटिंग का सौन हाउयू के साथ एक समझौता था कि जब तक वह स्वतंत्र है सौंग हाउयू उसे कभी भी चुनौती दे सकता है इसलिए लेंग शूटिंग ने सकारात्मक उत्तर दिया और जू को बताया जिनचेन को बताया गया कि वे उस रात लगभग नौ बजे राजधानी पहुंचेंगे जू जिनचेन ने लेंग प्राप्त करते ही सौन हाउयू को बताया शूटिंग का जवाब तीन मिनट बाद जू जिनचेन ने लेंग को भेजा एक और संदेश शूट करते हुए उसे बताया गया कि सौन हाउयू आज रात प्रतियोगिता करना चाहता था लेंग शूटिंग सहमत हो गई बाद में लेंग शूटिंग ने काव्या को इसके बारे में बताया काव्या क्या हम आज रात राजधानी वास आने पर जिनचेन और अन्य लोगों से क्लब हाउस में मिलने जा सकते हैं लेंग शूटिंग ने पूछा जरूर काव्या ने कहा क्या बेंग हमारे साथ जा सकती है बेशक वह कर सकती है लेंग शूटिंग ने कहा काव्या ने फिर जी से पूछा आज रात उनके साथ मौजमस्ती करने जा रही हूं और जी बेंग बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हुए करीब चालीस मिनट बाद विमान ने उड़ान भरी जब वे आखिरकार राजधानी पहुंचे तो रात के आठ बजकर पंद्रह मिनट बस चुके थे लेंग शूटिंग की कार हवाई अड्डे की पार्किंग में रुकी थी इसलिए वे एक साथ भूमिगत पार्किंग में चले गए विमान से उतरने के बाद सभी ने अपने फोन चेक किए काव्या ने डोंगफैंग पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जीव और वो सुन हुआ क्योंकि के उसके लिए उन पर कड़ी नजर रखेगा के को जल्द ही डोंगफैंग मिल गया काव्या के विवरण के अनुसार निगरानी कैमरों से ज्यू और वो सुन हुआ उन्होंने काव्या लेंग को भी देखा शूटिंग और जी बेइंग जब सी उसकी नजरों में बेंग आई तो के हैरान रह गया उसे स्पष्ट रूप से याद था कि उसने जी को देखा था पहले भी एक बार बेंग जी बेंग का जन्म दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे शक्तिशाली युद्ध सैनिक परिवार में हुआ था अब वह काव्या के साथ कैसे थी काव्या के संपर्कों से प्रभावित हुआ हालांकि वह आश्चर्यचकित था लेकिन यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह समझ नहीं सका उसने शायद सोचा था कि काव्या के साथ सब कुछ संभव है डोंगफैंग पर ध्यान केंद्रित किया जीव और वो सुन हुआ काव्या और बाकी लोग एक ही कार में चले गए कार इतनी बड़ी थी कि उनमें से पांच लोग उसमें समा सकते थे जब रात के नौ बजे थे वे नियत क्लब हाउस और लेंग पहुंचे शूटिंग ने जू को दिया जिनचेन एक कॉल एक निजी कमरे में जू जिनचेन जू जिनलिन चेन जिन चेनमेंग सॉन्ग हाउयू और सॉन्ग हाउयू के दोस्त एक साथ शराब पी रहे थे सॉन्ग हाउयू नाजुक ननंगश के साथ बहुत सुंदर था और उसका शरीर लंबा और मजबूत था सॉन्ग हाउयू भी थोड़ा ठंडा लग रहा था लेकिन वह अभी भी लेंग से अलग था गोली चलाना क्योंकि जब वह अजनबियों के साथ होता था तो उसे केवल ठंड लगती थी जब वह अपने दोस्तों के साथ होता था तो काफी दयालु और सहज स्वभाव का होता था जो जिनचिन ने फोन करने वाले का नाम दिखाने के लिए अपना फोन सॉन्ग हाउयू की ओर हिलाया और कहा शूटिंग यह है अगले ही पल उसने कॉल का उत्तर दिया और लेंग को बताया प्राइवेट रूम नंबर शूट कर रहे हैं सॉन्ग हाउ यू तुम हार क्यों नहीं मान सकते तुम कभी नहीं जीते जू जिनचिन ने मजाक किया उन्होंने नहीं सोचा था कि सौंग हाँ यू लेंग को हरा सकता है गोलीबारी हालांकि सोंग हाउय ने अपने युद्ध कौशल लेंग का अभ्यास जारी रखा शूटिंग वही काम कर रही थी और जू जिनचेन को लगा की लेंग शूटिंग इन दिनों तेजी से बेहतर और बेहतर होती जा रही थी मैं कभी नहीं छोड़ूंगा सोंग हाउय ने कहा फिर जू को दिया जिनचेन ने तिरस्कार की एक नजर डाली इसका मतलब था कि जू जिनचेन ने इसे आसानी से छोड़ दिया था जू जिनचेन को नहीं पता था कि क्या कहना है क्योंकि यह सच था काफी समय पहले उन्होंने लेंग से आगे निकलने का वादा भी किया था एक दिन शूटिंग की लेकिन धीरे धीरे हार मान ली और अपनी बातें भूल गए यह सुनकर चेन वेंग ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की कहीं ऐसा न हो कि सोंग हायू ने भी उसका तिरस्कार किया हो दरअसल यह उनकी गलती नहीं थी क्योंकि लेंग शूटिंग करना वास्तव में एक कठिन कार्य था सोंग हावू लेंग को चुनौती देना नहीं छोड़ेगा गोलीबारी हुई लेकिन उसके लिए जीतना असंभव था बहुत पहले लेंग शूटिंग और अन्य लोग आए जब वे अंदर गए तो हर कोई हैरान रह गया सॉन्ग हाउयू को लेंग को देखने की उम्मीद नहीं थी महिलाओं के साथ अंदर आकर शूटिंग की उसने सोचा कि लेंग शूटिंग को महिलाओं के करीब रहना कभी पसंद नहीं आया हाय जिनचेन चेन मेंग जी बेंग ने जू का अभिवादन किया जिनचेन और चेन मेंग एक साथ ओह मिस जी क्या आश्चर्य है जू जिनचेन ने कहा हाय मिस जी चेन मेंग ने कहा हाँ हाँ मैं यहां तुम्हारे लिए आया हूं ताकि हम एक साथ मजा कर सकें जी बेंग ने व्यापक मुस्कान के साथ कहा जू जिनचेन ने हंसते हुए कहा बहुत बढ़िया यहाँ आओ और बैठो धन्यवाद जी बेंग ने कहा हाय शॉटिंग यह है लेंग जब सॉन्ग हाउ यू खड़ा हुआ शूटिंग अंदर चली गई लेकिन वह उस युवा लड़की के बारे में बहुत उत्सुक थी जो लेंग के पास खड़ी थी शूटिंग का पक्ष उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लड़की और लेंग शूटिंग गर्लफ्रेंड थे लेकिन सोचा कि इसकी संभावना नहीं है हालांकि लेंग से पहले शूटिंग कुछ भी कह सकती है जू जिनचेन ने उन्हें रोका कृपया मुझे परिचय देने की अनुमति दें यह हमारे मेजर जनरल प्रेमिका है क्या सोनहावयू ने सदमे में अपनी आंखें गोल कर ली नमस्ते काव्या उसे देखकर मुस्कुराई ओह हाय सोन हाउयू ने तुरंत कहा ठीक है बैठ जाओ सब लोग जू जिनलिन ने कहा इसके बाद वे सभी बैठ गए काव्या मिस जी यह सोन हाउू है गु जिचुआन और मेरा बड़ा भाई जू जिनलिन जू जिनचे ने काव्या और जी से कहा बेंग आप सभी से मिलकर अच्छा लगा जी बेंग ने कहा आपको देखकर अच्छा लगा काव्या ने कहा यह शाउटिंग की प्रेमिका काव्या है और यह हमारे भाई की छोटी बहन जी है बेंग, ने अपने दोस्तों से कहा आपको देखकर अच्छा लगा मिस काव्या और मिस सी सॉन्ग हाउ यू गु हाउय और जू जिनलिन ने कहा ठीक है चलो साथ में ड्रिंक करते हैं जू जिनचे ने प्रस्ताव रखा और अपना गिलास उठाया उन्होंने रेड वाइन पी इसलिए सभी ने एक घूंट पिया आपकी प्रतियोगिता कब होगी अभी या थोड़ी देर में जू जिनचे ने पूछा वे अभी आए हम थोड़ी देर के लिए आराम कर सकते हैं सॉन्ग हाउ यू ने कहा प्रतियोगिता कैसी प्रतियोगिता काव्या भ्रमित थी और उसने लेंग की ओर देखा शूटिंग लेकिन उसने उससे कोई सवाल नहीं पूछा हालांकि काव्या ने नहीं पूछा लेंग शूटिंग ने उसे अपनी इच्छा से समझाया हमारे पास अपने युद्ध कौशल की एक प्रतियोगिता होगी आराम करो काव्या ऐसा कई बार हुआ है लेकिन शूटिंग कभी नहीं हारी है जो जिनचे ने कहा अगर काव्या लेंग को लेकर चिंतित थी शूटिंग की सुरक्षा हालांकि काव्या बिल्कुल भी चिंतित नहीं थी क्योंकि उसे उस पर भरोसा था इस दौरान लेंग उसके पावर क्रिस्टल शूटिंग शारीरिक रूप से मजबूत हो गई और वह सामान्य से अधिक तेजी से आगे बढ़ने में सक्षम हो गया जू जिनचिन हालांकि मैं कभी नहीं जीता क्या आप मेरे लिए कुछ सम्मान नहीं बचा सकते सॉन्ग ने तर दिया क्या मुझे ऐसा करने की जरूरत है देर आप इसे खो देंगे जू जिनचिन ने सोम हाउयू पर अपनी आंखें घुमाई आप भी हारे हुए हैं सोम हाउयू ने कहा वे थोड़ी देर तक आपस में बहस करते रहे फिर रुक गए अगर हम बाद में बहुत अधिक शराब पी लेते हैं तो हम अभी प्रतिस्पर्धा क्यों नहीं करते लेंग शूटिंग खड़ी हो गई महान सॉन्ग हाउ यू सहमत हो गया चूंकि उनमें युद्ध कौशल की प्रतियोगिता होने वाली थी इसलिए उन्हें एक विशेष मार्शल आर्ट में जाने की आवश्यकता थी सॉन्ग हाउ यू ने पहले से ही उनके लिए एक वीआईपी मार्शल आर्ट रूम बुक था उनका निजी कमरा तीसरी मंजिल पर था जबकि मार्शल आर्ट रूम मंजिल पर था ओह हाय जिन जैसे ही वे पहली मंजिल पर पहुंचे हॉल के केंद्र से एक आश्चर्यचकित महिला की आवाज आई वे पीछे मुड़े और देखा कि एक खूबसूरत युवती उत्साह से उनकी ओर आ रही है फिर भी जू जिनचेन उसे देखकर खुश नहीं लग रहा था हाय मिस जिनचेन क्या संयोग है वो मीना ने कहा फिर उसने जू को देखा जिनलिन और उनका भी अभिनंदन किया ओह हाय तुम्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा जिनलिन आपको देखकर अच्छा लगा मिस जिनलिन ने विनम्रता से उत्तर दिया यह स्पष्ट था कि जू जिनचेन और जू जिनलिन वो मीना के करीब नहीं थे और उन्होंने जानबूझकर उससे दूरी भी बनाए रखी लेंग को नहीं जानती थी शूटिंग और सॉन्ग हाउ यू वह उनके खूबसूरत लुक से प्रभावित हुई उसने महसूस किया कि वह आज बहुत भाग्यशाली थी कि उसे इतने सारे अच्छे दिखने वाले पुरुष मिले क्षमा करें मिस वू हमें अब जाना होगा जू जिनचेन ने कहा और वो मीना के विचार को बाधित किया क्या वो मीना को अपना दिमाग वापस आया और उसने पूछा आपको इतनी जल्दी क्यों जाना है यीशु मीना क्या ये सभी सुंदर पुरुष तुम्हारे दोस्त हैं आप उन्हें हमसे क्यों नहीं मिलवाते इस समय दो महिलाएं वो मीना के पास आईं। चलो आज रात साथ मिलकर मजा करेंगे उनमें से एक ने कहा दोनों स्त्रियां चुलबुली थीं बंद करना के मामले में वो मीना ने उन पर तंस कसा जिनचैन अप्रसन्न थे जिनचेन मुझे क्षमा करें वे बस मजाक कर रहे हैं कृपया पागल मत होइए उसने आगे कहा दोनों महिलाओं ने एक बार में अपना मुंह बंद कर लिया वे वो मीना पर क्रोधित नहीं थे लेकिन इस बात को लेकर भ्रमित थे कि वो मीना ने इतना अजीब व्यवहार क्यों किया उन्होंने सोचा कि वो मीना शायद इस आदमी की प्रशंसा करती थी यह बहुत सामान्य था क्योंकि जू जिनचेन सचमुच सुंदर था मिस वू मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन हमें अब जाना होगा जू जिनचेन ने कहा अच्छा वो मीना निराश थी लेकिन वह उसे रोक नहीं सकी जू को देखना पड़ा जिनचेन और अन्य लोग उसकी नजरों से ओझल हो गए क्या आपको पता है कि वे कौन हैं? आप उससे इस तरह कैसे बात कर सकते हैं वो मीना ने अपना गुस्सा अपने दोस्तों पर उतारा उसका रवैया बिल्कुल बदल गया कौन है ये वो मीना के दोस्तों ने उत्सुकता से पूछा वह लॉर्ड जू है जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुम वो मीना ने गुस्से में कहा क्या यह सुनकर दोनों महिलाएं हैरान रह गई वाह वह, वह लॉर्ड जू है वह एक अत्यंत अमीर सुंदर युवक का एक आदर्श उदाहरण है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आप उसे नहीं भूल सकते अगर मैं तुम होते तो मैं भी उसे नहीं भूल पाता उन्होंने कहा ठीक है उसे मुझमें कोई दिलचस्पी नहीं है वो मीना परेशान थी वह मूर्ख नहीं थी और वह जानती थी कि वह उसे नापसंद करता था वास्तव में वो मीना का परिवार और जू परिवार व्यवसाय में भागीदार थे इसलिए वे एक दूसरे को जानते थे लेकिन परिचित नहीं थे जू से प्यार हो गया जिनचेन को उनकी उत्कृष्ट उपस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण पहली नज़र में देखा गया भले ही वो मीना उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती थी फिर भी वह उसकी प्रशंसा करती थी नहीं मुझे उसे मुझसे प्यार करने का कोई तरीका निकालना होगा मैं भी एक उत्कृष्ट महिला हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं उसके लायक नहीं हूँ वो मीना ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा वो मीना वास्तव में बहुत आकर्षक थी इसलिए वह हार मानने को तैयार नहीं थी हालांकि वो परिवार की तुलना जू परिवार से नहीं की जा सकती थी फिर भी यह राजधानी में एक प्रसिद्ध और समृद्ध परिवार था मीना हमें तुम पर भरोसा है आप यह कर सकते हैं वो मीना के दोस्तों ने तुरंत उसे प्रोत्साहित किया हालांकि उन्हें नहीं लगा कि इसकी अत्यधिक संभावना है जू जिनचेन एक दुर्लभ गुणवत्ता वाले व्यक्ति थे और उनके अनगिनत प्रशंसक थे वो मीना वास्तव में एक आकर्षक महिला थी लेकिन राजधानी में उससे कहीं अधिक आकर्षक महिलाएं थी इसके अलावा वो मीना जू को जानती थी जिनचेन लंबे समय तक यदि जू जिनचेन को वह पसंद थी वे बहुत समय पहले एक साथ रहे होते जो जिनचेन ने वो मीना के बारे में बात करने की जहमत नहीं उठाई इसलिए वे बाद में मार्शल आर्ट रूम गए कुछ ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो गई यह दो शीर्ष विशेष बलों के सैनिकों के बीच एक बहुत ही रोमांचक प्रतियोगिता थी वे दोनों फुर्तीले थे और सोन हाउयू लेंग जितना ही मजबूत लग रहा था गोलीबारी हालांकि काव्या को पूरा यकीन था कि सोन हाउयू का लेंग से कोई मुकाबला नहीं है गोलीबारी अन्य लोगों की भी यही राय थी भले ही वे युद्ध कौशल के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे फिर भी यह स्पष्ट था कि लेंग शूटिंग सौन्ग हाउयू से कहीं बेहतर थी काफी समय के बाद सौंग हाईयू ने पाया कि उसके लिए लेंग को हराना कठिन होता जा रहा था गोलीबारी वह लेंग से भी आश्चर्यचकित थे शूटिंग की शानदार प्रगति उसने सोचा कि वह तेज गति से अपने कौशल में सुधार कर रहा है लेकिन उनके बीच का अंतर बढ़ता जा रहा था लेंग बाद में शूटिंग को सौंग हाईयू पर पूरा नियंत्रण मिल गया वे तुरंत रुक गए क्योंकि उनके पास सिर्फ मनोरंजन के लिए प्रतियोगिता थी शूटिंग तुमने क्या खाया या क्या है आपने महत्वपूर्ण प्रगति की है सौंग हाउयू ने कहा लेंग शूटिंग ने वास्तव में कुछ विशेष खाया था लेकिन वह सौंग हाउयू को सच्चाई नहीं बता सका हाहा मैंने कुछ जादुई गोलियां खाई है लेंग शूटिंग ने मजाक किया क्योंकि वह जानता था कि काव्या के अलावा कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा सौंग हाउयू भी हंसा हाहा हा हा हाँ, सौ हाउयू आप फिर हार गए जो जिनचेन ने सौंग हाउयू की विफलता पर खुशी जताई यह कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं था यदि सोंग हाउयू जीत गया तो यह केवल आश्चर्य की बात होगी तो क्या हुआ आप में प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं है इसलिए मुझे लगता है कि मैं अब भी आपसे बेहतर हूँ सोंग हाउयू ने जवाब दिया आप जो जिनचेन पागल था लेकिन उसे नहीं पता था कि जवाबी बहस कैसे की जाए हाउयू ने कहा मैं हार नहीं मानूंगा और हम अगली बार फिर से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं कोई बात नहीं लेंग शूटिंग सहमत हो गई जू जिनचेन सोन हाउयू का मजाक उड़ाना चाहता था लेकिन अगर सोम हाउयू उस पर हंसे तो उसने उसके शब्दों को निगल लिया हालांकि वह अभी भी असहज महसूस कर रहा था कि सोन हाउयू हार मानने को तैयार नहीं था उसे आश्चर्य हुआ कि अगर काव्या उसे आसानी से हरा सकती है तो क्या सोन हाउयू परेशान होगा यह सोचकर जू जिनचेन ने जोर से कहा सोम हाउयू तुम थोड़ी देर आराम करने के बाद काव्या के साथ एक राउंड क्यों नहीं उ लेते दूसरा जो जिनचिन ने बात खम की उसे एहसास हुआ कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए इसलिए उसने लेंग की ओर देखा यह देखने के लिए शूटिंग करे कि क्या लेंग शूटिंग नाराज थी वे नहीं जानते थे कि काव्या लेंग से बेहतर थी या नहीं शूटिंग इसलिए उसे सॉन्ग हाउयू के साथ प्रतिस्पर्धा में चोट लग सकती है सौभाग्य से लेंग शूटिंग शांत रही उसी समय काव्या को दिलचस्पी हुई लेंग शूटिंग को पता था कि काव्या एक कमजोर लड़की नहीं थी और उनके पास सिर्फ मनोरंजन के लिए प्रतियोगिता थी इसलिए उसे चोट नहीं पहुंचेगी गीत हाउयू और गो हालाकि जिचुआन जू को देखकर चौंक गया जिनचेन और काव्या उन्हें जू पर विश्वास नहीं हो रहा था जिनचेन ने यह प्रस्ताव रखा आखिरकार काव्या एक दुबलीपली युवा लड़की थी और उन्हें विश्वास नहीं था कि वह युद्ध कौशल की प्रतियोगिता में एक मजबूत आदमी को हरा सकती है वास्तव में सौन हाउयू और गो को छोड़कर जिचुआन अन्य लोगों ने यह नहीं सोचा कि उस विचार में कुछ भी गलत था हालांकि उन्हें पूरा यकीन नहीं था कि काव्या सौन हाउयू को हरा सकती है लेकिन वे जानते थे कि वह बहुत बुरी तरह नहीं हारेगी जू जिनचेन क्या मैंने यह सही सुना क्या आप चाहते हैं कि मैं मिस काव्या के साथ फेरे लू हाउ यू ने आश्चर्य से पूछा उसे अब भी विश्वास नहीं हो रहा था सही है जू जिनचेन ने कहा फिर थोड़ा शर्मिंदा महसूस हुआ काव्या क्या तुम ऐसा करने को तैयार हो हालांकि लेंग शूटिंग सहमत हो गई उन्हें अभी भी काव्या की राय पूछने की जरूरत है जरूर काव्या ने कहा उसे इसमें रुचि थी सौंग हावय कुछ कहना चाहता था लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे क्योंकि काव्या ने पहले ही इसे स्वीकार कर लिया था जिसका मतलब था कि वह उससे डरती नहीं थी हालाँकि वह यह जानने को उत्सुक था कि क्या काव्या वास्तव में लड़ने में अच्छी थी वह एक युवा छात्रा थी जबकि वह सेना में एक वरिष्ठ सैनिक था अगर वह हार गया तो यह बेहद शर्मनाक होगा यह सोचकर हाउ यू थोड़ा घबरा गया लेकिन उसने शांत होने की पूरी कोशिश की लेंग को चुनौती देने का साहस था गोलीबारी इसलिए जब उसे एक युवा लड़की द्वारा चुनौती दी गई तो उसे शांत रहना चाहिए थोड़ी देर के बाद सौंग हायू ने अपनी भावनाओं को ठीक से समायोजित कर लिया बाकी सभी लोग दूर चले गए और उनके लिए पर्याप्त जगह छोड़ दी हम शर्त क्यों नहीं लगाते जू जन ने अचानक कहा मुझे यकीन है कि काव्या जीतेगी लेंग शूटिंग ने तुरंत कहा उसे विश्वास था कि काव्या जीतेगी मैं भी लेकिन हमें क्या शर्त लगानी चाहिए जी बेंग ने कहा और पूछा हारने वाले को विजेता के लिए भोजन खरीदना चाहिए और विजेता तय कर सकता है कि क्या खाना है जो जिनचे ने कहा वे सभी अमीर लोग थे और यह केवल मनोरंजन के लिए करते थे मैं यह भी शर्त लगाता हूँ कि काव्या जीत सकती है चेन मेग ने कहा मैं भी जू जिनलिन ने कहा उसने ऐसा लेंग की वजह से किया गोलीबारी जिचुआन आप कैसे हैं जू जिनचे ने पूछा मैं हाउयू के साथ हूँ वो जिचुआन सोम हाउयू का मित्र था इसलिए उसने निश्चित रूप से सोम हाउयू का समर्थन किया ठीक है मुझे यकीन है कि काव्या जीतेगी ऐसा लगता है कि केवल जिचुआन को विश्वास है कि हाँ यू जीतेगा जू जिनचेन ने कहा और खुश हुआ जू जिनचेन क्या आप जानबूझ कर ऐसा कर रहे हैं हाउ यू ने कहा उसे लगा कि अभी तो यह जाल है इसलिए जू जिनचेन ने उत्तेजक स्वर में कहा वे अच्छे दोस्त थे इसलिए उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि हाउ यू वास्तव में उससे नाराज होगा यह देखकर काव्या को मजा आ गया वह जू के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी जिनचेन और सोम एक बेहतरीन जोड़ी हो सकते हैं हालांकि अगले ही पल वह अपने विचार से चौंक गई क्या वे सचमुच समलैंगिक जोड़े हो सकते हैं काव्या की इस बारे में आगे सोचने की हिम्मत नहीं हुई काव्या और सोम सोमहा के बीच प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई श्री गीत कृपया सिर्फ इसलिए नरम मत बनो क्योंकि मैं एक लड़की हूं हम अपनी वास्तविक क्षमता से यह प्रतियोगिता कर सकते हैं काव्या ने कहा कोई बात नहीं सोम हाउयू ने कहा जब तक काव्या इसे स्वीकार कर सकती थी वह अपनी वास्तविक क्षमता दिखाने को तैयार था इसके बाद वे एक दूसरे पर हमला करने लगे शुरुआत में काव्या ने उसकी मदद के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया हालांकि ऐसे कई लोग थे जो चाहते थे कि वह जीते इसलिए वह उन्हें निराश करने से हिचक रही थी यदि वह अपनी शारीरिक शक्ति से प्रतियोगिता नहीं जीत पाती तो वह अपनी जादुई शक्ति का उपयोग करती थी दोनों में से किसी ने भी शुरुआत में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि दोनों पहले दूसरे के स्तर का पता लगाना चाहते थे काव्या को पता था कि सौन हाउयू कितना अच्छा था लेकिन सौन हाउयू को अभी तक नहीं पता था कि काव्या कितनी अच्छी थी कुछ मिनटों के बाद सौन हाउयू को एहसास हुआ कि काव्या एक मास्टर थी इसलिए उसने इस प्रतियोगिता को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया काव्या ने भी धीरे धीरे अपनी ताकत का अधिक प्रयोग किया जैसे जैसे प्रतियोगिता कड़ी होती गई सौन हाउयू अपनी क्षमता से हैरान रह गई उसे लगता था कि काव्या उससे कहीं बेहतर है गुजिचवान भी काव्या के प्रदर्शन से आश्चर्यचकित थे लगभग दस मिनट बाद यह अभी भी बराबरी पर था और काव्या ने अभी तक अपनी जादुई शक्ति का उपयोग नहीं किया था थोड़ी देर के बाद काव्या और सोंग हाओयू की ताकत कम हो रही थी लेकिन अभी भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं था इसने सभी को चौंका दिया क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि काव्या सोंग हावयू के लिए इतनी अच्छी जोड़ीदार थी दरअसल अगर काव्या अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल उसकी मदद के लिए करती तो वह कुछ ही मिनटों में आसानी से प्रतियोगिता जीत सकती थी अब बीस मिनट हो गए हैं लेकिन यह अभी भी टाई है मुझे लगता है कि इस दौर में कोई विजेता नहीं है चेन मेंग ने कहा जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचे लेंग शूटिंग ने कहा क्योंकि वह जानता था कि काव्या ने अभी तक अपनी क्षमता का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है हालांकि वह काव्या की जादुई शक्ति से अवगत नहीं था लेकिन वह जानता था कि काव्या बेहतर कर सकती है काव्या वास्तव में जीतना चाहती थी लेकिन वह प्रतियोगिता का आनंद लेने के बाद ऐसा करेगी इसका आनंद लेने के बाद उसने अचानक खुद को पूरी ताकत से भरने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और आसानी से सौंग हावयों पर नियंत्रण पा लिया अचानक हुए बदलाव ने लिंग को छोड़कर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया गोलीबारी वे सोचने लगे कि काव्या शुरुआत में अपनी असली क्षमता छिपा रही थी काव्या वास्तव में उससे कहीं बेहतर थी जितना उन्होंने सोचा था सौन यू पहले से ही ताकत से बाहर था इसलिए वह स्पष्ट रूप से हारा हुआ था हर कोई आश्चर्यचकित था क्योंकि काव्या सौन यू को हराने में सक्षम थी तो क्या वह लेंग को हरा सकती है गोलीबारी